बस बस अभी देखो भाई नौकरी का जिसके मन के अंदर बहम हो कि मैंने नौकरी करनी है तो भी उनका बहम निकाल दूंगा, ठीक है, क्लियर कर दूंगा बिल्कुल, और उस तरीके से काम कर लेना अगर ना हो आपके पास में पैसा कर रहा है। नौकरी है मैडम के पास में, ठीक है, नौकरी के लिए आज मैडम के पास में मान लो 2021 है, मैडम की तनख्वाह कितनी है 12,000, ठीक है, मैं बोलता हूँ जी टीचर लगा लो 30,000 कर दूं, मैंने थोड़ी देनी है कटर ने देनी है, ठीक है, माना मूल धन 100 रुपए, ठीक है, तो हम 30,000 रुपए खड़े हो जाओ मैडम पूरा करेंगे, 30,000 रुपए मैडम की नौकरी हो जाए, हर महीने लेगी तनख्वाह कितनी दिवाली पर, कहीं होगा बैंक हो जाता जी, बोले बोले ऐसी ही होती है, मैं बोलता हूँ भाई साहब 50,000 रुपये नौकरी टीचर जो एम कॉम बी कॉम बी टेक कोई भी होल्डर हो 50,000 रुपये से ऊपर नहीं कमाएगा पर मंथ, ठीक है, किसी को बैंक हो तो देख लेना 50,000 रुपये नौकरी हो जाए, मैं बोलता हूँ मैडम हर महीने के लेंगे 1 साल 6 लाख, 1 साल में कितने कमाए 6 लाख, मैं बोलता हूं 2022 60,000 रुपये तनख्वाह हो जाए मैडम, जबकि 2,000 रुपये बढ़ेगी, ठीक है, डीए डीए मिला के एक इंक्रीमेंट और डीए बढ़ेगा 3%, ठीक है, सिर्फ 2,000 रुपये, तो हमने कितनी कर दी 60,000 रुपये, 12×72 7 लाख 20,000 रुपये 2022 में, मैं बोलता हूं 2023 आए यही 70,000 रुपये तनख्वाह हो जाए 12 महीने 12×7=84 8,40,000 रुपया, 2024 आए 80,000 रुपये तनख्वाह हो जाए, प्रोफेसर भी नहीं लेता है 9,60,000, किसी को लगता हो कम है और बढ़ा सकता है, किसी को भी डाउट हो कि मेरी जो ग्रेजुएशन है मेरी जो पढ़ाई है उसके अनुसार ये नहीं है, एक फौजी आदमी की है नहीं 25,000 रुपये है लड़के, ठीक है, बीटेक वाले तो 84 लगते हुए देखे मैंने, तो कर रहे हैं नहीं पानीपत के अंदर 13 जॉब थी 27,500 कुछ बंदे आए थे फार्म भर रखे थे, उनको पूछ नहीं चाहते चपड़ासी के लिए, और फिर भी नौकरी, ठीक है, फिर भी नौकरी नहीं, 27,500 बंदे आए पानीपत के अंदर 13 चपड़ासियों के लिए पदों के लिए, अरे अपनी पढ़ाई की भी क्यों ले रहे माटी कर रहे यार, इससे ठीक तो अपने घर के ऊपर किसी 2-4 बच्चों का ट्यूशन लगा लो, जितने पैसे उधर चपड़ासी के लिए दे रहे हो नहीं उतने का अपना रोजगार कर लो ना, कम से कम पढ़ाई के लिए तो बोला कि झाड़ू तो नहीं मारनी पड़ेगी, मैं बोलता हूँ सर मैडम ने 80,000 रुपये 4 साल में मैडम पहुंची 80,000 रुपये पे और 9,60,000 रुपये कमाए, अगर आप नौकरी करते हो नौकरी इज इक्वल टू नो करियर, ये वापिस जीरो होगी अगर मकान बनाना पड़ेगा बिल्कुल, अगर बच्चों की शादी करनी पड़ेगी नहीं गुड़िया के बच्चे की जीरो, ठीक है, करियर नहीं है नौकरी का, नौकरी वाला इंसान मैडम के 2-4 लोन भी मिलेंगे क्योंकि बैंक भी लोन भाग के देता है सरकारी नौकरी वाले को, वो ढूंढता है कोई आए, ठीक है, तो नौकरी करने वाले इंसान के पास में बाइक लोन कार लोन होम लोन जितने भी लोन है सारे मिलेंगे, नौकरी करने वाला इंसान 10 तारीख तक तो भाई साहब ऐसे गाल में नहीं दूसरे को निकलने नहीं देता, बैंक टांग के सस्पे सुस्पे लगा के ऐसे चलेगा वो ऐसे करके, लेकिन अगर उसको 11 तारीख को बोल दे 2,000 रुपये दिए भाई साहब, बोला तू मेरे को दे देना अपना रिश्तेदारी में जाना, उसके पास में 2,000 रुपये नहीं मिलेंगे क्योंकि जो जो गृह मंत्रालय नहीं वो पूरी सेटिंग कर देता है कि भाई साहब आज बच्चों की फीस देनी आज ये लेना आज ये लेना, तो वो राजा की तरह रहता है 10 तारीख तक, और नौकरी करने वाला इंसान है नहीं 1 तारीख का इंतजार करता है, नौकरी करने वाले इंसान की नहीं हर दुकान के ऊपर ही उधार चलती है कोई भी हो, और फिर भी पूछते रह जाते हैं अगले महीने में, नौकरी इज इक्वल टू जस्ट ए पेन किलर टैबलेट,
दर्द हुआ पानी के साथ में, ठीक है, पैरासिटामोल। तो आज अगर आप ये बिजनेस करते हो, इधर से क्या कर सकते हो? अगर आज आप एसलीपीएस वेलनेस करते हो तो कितना बड़ा काम कर सकते हो, उस चीज के बारे में चर्चा करेंगे। आप बैठ जाओ मैडम, अभी के मैडम मेरे साथ में ज्वाइन है, तो मैं किसी और को ढूंढूंगा सर जो अनज्वाइन पर्सन, क्योंकि फिर क्या बोलते हैं कि भाई मैडम ने बताया होगा कि ऐसे सिखा रखता हूँ, कईयों का शक रहता है। कोई भी अनोन ज्वाइन जो लेटेस्ट बंदा आया है हमारे साथ में इधर सेमिनार देखने के लिए, आप अनोन हो सुरेंद्र सर, खड़ो हो जोरदार तालिए सर। मान लो हम सर के ऊपर ले लेते हैं, सर की सरकारी नौकरी थी, ठीक है, सर की इधर से 80,000 रुपए कमा रहे थे, 12-96, ठीक है जी। सुरेंद्र सर अगर 2021 में आज आप एसलीपीएस वेलनेस को स्टार्ट करते हो मेरे तरीके से, ठीक है सर, 2021 के अंदर एक साल में, ठीक है सर, पूरा एक साल के अंदर, एक साल के अंदर हम कितने बंदों को ज्वाइन करा सकते आप और मैं टोटली, कुछ भी हो सर, मानो लगा दो 50, 100, 200, 300, 1000, 2000, कितने भी हो सकते हैं, कितने मान ले, फिर भी आप अंदाजा बोल भाई, जैसे पक्की बात है। अरे संजय जी से 2 मिल गए तो इतना आपने देखने के, ठीक है मैं बोलता हूँ एक साल में इससे आपसे कर सकते हैं भाई। मैंने बोला कि 10 में से 2 इंसान आते हैं, आते हैं नहीं आते, आपने भी हाँ भरी थी कि 10 में से 2 आ जाते हैं, आ जाते हैं सर। सर मैं बोलता हूँ 365 दिन होते हैं एक साल के अंदर, अगर आप 65 दिन है ये जो अपने छुट्टी के, शादी के, ब्याह के, या कहीं भी है, ये हमारी छुट्टियां काट दो, 300 तो बच सकते हैं। हमने हर रोज एक बंदे से मिलना है सर, एक बंदे से हर रोज मिलेंगे सर, 2 दिन में 2 से मिलेंगे, ठीक है, उसके बाद में 5 दिन में 5 से मिलेंगे, उसके बाद में 10 दिन में 10 से मिलेंगे, तो कितने बंदे आएंगे? अरे सर बीच वाला ले लेते हैं सर, मीडियम ले लेते हैं सर, 300 को 5 से भाग दे दो, बताओ भाई 60 बंदे आपके साथ में एक साल में है, ठीक है, और रियल में आएंगे एक साल तो होगा नहीं, 1350 बंदे, ठीक है, मैं तो आपको बिल्कुल गिरी हुई कैलकुलेशन बता, 60 हो गए सर। मैं बोलता हूँ सुरेंद्र सर 10 इंसान और छोड़ के चले गए आप, सिर्फ इन्होंने प्रोडक्ट लिया, रिजल्ट लिया, बैठ गए, 50 तो बच सकते हैं, इससे नीचे तो कैलकुलेशन नहीं होगी भाई, कितने तो आ ही सकते हैं बराबर हर रोज, अगर हर रोज हम बंदों से मिलें, तो मैं बोलता हूँ सर आपके साथ में आज 2021 के अंदर सिर्फ 85 बंदे ज्वाइन हो सर, 1000 रुपया देती है कंपनी लेफ्ट राइट का, ठीक है, तो पहले दिन का कितना होगा आपका, पहले साल में 50,000 रुपया, इधर कितना था सर 6 लाख, आप इधर बिजनेस को छोड़ दोगे, क्यों छोड़ दोगे, क्योंकि 50,000 रुपया मिला सर आपको, इधर आपको 6 लाख रुपया मिल रहा था, ठीक है, आपने बोला बिजनेस में कुछ नहीं है भाई साहब, नौकरी में बहुत कुछ है, मैं बोलता हूँ सर 90% अगर बिजनेस आपका डाउन चला जाए, सिर्फ 10% बिजनेस चले, इसमें हमने हर साल 10,000 रुपये बढ़ाए सर, ठीक है, इधर मैं घटा रहा हूँ बिजनेस को, क्योंकि 0 ही एक दिन हीरो होता है, जो 0 बन के चलता नहीं वो हीरो होता है। मैं बोलता हूँ सर जो 50 बंदे थे आपका 2022 आया अगला साल, सर ये 50 बंदों में से 10% में कितने बचेंगे, सिर्फ 5, 5 × 50 सर, 5 ही इंसान आपके नीचे काम करने वाले बचे दूसरे साल, ठीक है, ये भी 50-50 लेके आएंगे सर, उसके बाद में कितना हो गए 250, 1,000 दे रही है सर कंपनी, कितना हुआ 2.5 लाख सर, इधर कितना था आपका 60, 20
इधर कितना हुआ? ढाई लाख। इधर भी आप बिजनेस को क्विट कर दोगे। आपने ये भी देखा कि बिजनेस मैंने जीरो से स्टार्ट किया था और 50,000 से मैं ढाई लाख पे आ गया। आपने देखा ढाई लाख कम है, 7,20,000 के नौकरी के ज्यादा। उसके बाद में 2023 आया सर, मैं बोलता हूँ जो 250 बंदे आए मात्र 5% देरी ने मालिक आपके साथ में 90% काम करके छोड़ के और 10% आपके साथ में बचे, तो 10 के हिसाब से कितने बचे सर? 25। और इनके भी 50 आएंगे तो 25 125 1250 इंसान सर। 1000 रुपया देती है कंपनी, 12,50,000 रुपया। इधर कहाँ थे सर? 8,40,000 रुपये। इधर कितना है? 12,50,000। मैं बोलता हूँ सर 3 साल काम कर लेना, अगर 17 लाख रुपए अकाउंट में ना होनी तो जूस टाइम में मेरी कितनी भी करोड़ की गाड़ी हो वो गाड़ी ना होगी। यस 17 लाख रुपए सर। अपनी 1 साल हुआ, 1 साल की इनकम दिखा दो तो लोग बोलेंगे हो नहीं सर। ठीक है, 5,85,000 रुपए इन अकाउंट आ चुके हैं। अगर खुद की गाड़ी की बात करूं तो 15 लाख की गाड़ी वो लगा दो, टोटल 20 लाख प्लस की इनकम है। आज तक जो कैथल में नहीं कर पाया नहीं, वो मेरी टीम की बदौलत से अपने करके दिया। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे चले गए। उसके बाद में सर 3 साल में तीसरी साल आप कहां पहुंचे? 12.5 लाख पे। और इधर कहां थे सर? 8,40,000। मैं बोलता हूं सर 2024 आया है, 2024 आए, 2024 के अंदर जो आपके 1250 बंदे आए सर, 10% ही तो बचेंगे, 90% ये भी छोड़ देंगे, तो 10% के हिसाब से सर कितने हो गए? 125 सर। 125 इंसान सिर्फ आपके साथ में फोर्थ ईयर के अंदर काम करने वाले बचे, 50 ये भी लेके आएंगे, तो 25 12 60 62 62 50 इंसान सर। 1000 रुपया देती है कंपनी, 62,50,000 सर। नौकरी सही है या बिजनेस? बिजनेस बिजनेस सर। इधर 9,60,000 रुपया, इधर आए आपके 62,50,000 रुपया। मैं बोलता हूँ सर 31 लाख तो आ ही जाएगा। अरे सर 4 साल में 16 लाख रुपया तो आ ही जाएगा, तब भी नौकरी से ज्यादा है। और ऐसे नौकरी के अंदर पसीना पूरता हुआ चलता बंदा, इधर है बटेऊ की तरह चलता है। मैं परसों एजेंसी के अंदर था करनाल में, मेरी गाड़ी की नंबर प्लेट आई हुई थी, भाई साहब मैनेजर है नी कुर्सी से उठ के आनी ऐसे बोला खड़ा होना सर, ऐसे बोलता है। अरे यात्री साहब, वो भी यात्री है, कहीं शादी में गए हुए थे क्या? और ऐसे ही था भाई साहब। मां नहीं यार मेरी मीटिंग थी। क्या यार बटेऊ की तरह चल रहा था, तुमको मैं बता भी नहीं सकता तेरे को कि तू शादी से आया कहीं से। भाई साहब ऐसे रहने मेरे बंदों को दिक्कत है। अरे मैंने तो हम कसी चलाने में भी तो करते हैं, उधर मैं तासड़े पकड़ा सकता हूं लेकिन इधर मैं नहीं कर सकता। उधर बोलते नहीं ईंटे खा सकता हूं, मैं ईंटों को ऐसे घुसा सकता हूं, किसी खेत में जाकर कसी चला सकता हूं लेकिन इधर सूट वूट पहनने में ही मेरे को तकलीफ है। अरे हर इंसान को बोलती है दुनिया के भाई साहब तू नहीं कर सकता, लेकिन इधर मेरे जैसे इंसान को किसी ने बोला था कि वो तो कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है। यस यस आपको दुनिया के अंदर हाथ ऐसे मिलेंगे, बहुत सारे हाथ मिलेंगे, पांव खींचने वाले, टांग खींचने वाले कि भाई साहब तू नहीं कर सकता, लेकिन एक हाथ मिल रहा है कि आपको कामयाब करके दिखाऊंगा, कामयाब करके दिखाऊंगा, कामयाब करके दिखाऊंगा। जितने फ्रंट लाइन बैठी है पूछ लेना, हर बंदे के साथ में कमेंटमेंट हुई थी तुम छोड़ के मत जाना या मेरी फौजी नहीं छोड़े। यस और आज यानी भाई साहब अगर आठ बनने वाला है 10-12 ID है, किसी ने भी ऐसे स्टार्ट की थी, बिलीव किया ना, बिलीव लेवल करना था। ठीक है मैं बोलता हूँ अरे नौकरी में करने से क्या है, ये देखो 4 साल में अगर 16 लाख भी आ गए जब भी बहुत है, जबकि 4 साल में बंदा डायमंड बन जाता है 65 लाख रुपए ले जाएगा। यस सर ठीक है 65 लाख खुद के नीचे नहीं, जैगुआर होगी किसी अपनी, यानी जो 7 पीढ़ी गुजर गई नहीं
उन सात पीढ़ियों के अंदर किसी ने नहीं सोचा होगा कि कोई भाई साहब करोड़ों की गाड़ी भी लेके आया होगा। लेकिन आज इस एसलीपीएस की बदौलत से 6 लाख से 15 लाख पे आ गया और अगली गाड़ी यानी 2.5 करोड़ की होगी, ये मेरा वादा आप लोगों में। मेरी सोच जो बनाई है नहीं बोलते नहीं कि भाई मेरी जिंदगी है नहीं, मेरी जिंदगी ये है, इससे टच हूं मैं, मैंने अपने सारे इमोशन है नहीं एसलीपीएस वाले से जोड़ चुका हूं, मैं धक्का नहीं खाता। बहुत सारे लोग सेटिंग देने के लिए आते हैं, गाड़ी दे देंगे, तेल दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है कैथल के अंदर खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा और जब तक पूरे 17 लेवल नहीं करूंगा, 18 लेवल नहीं करूंगा, तब तक चैन की नींद नहीं आएगी। कैथल में लोगों ने बहुत तो ने स्टार्टिंग की, बहुत बोले कि भाई साहब ऐसे गाड़ी आज भी देते हैं लोग, कई लोग देखते होंगे कि भाई साहब